शिमारू किड्स हिंदी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और यूट्यूब ऐप पर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपने नाम के मुताबिक ताज महल न सिर्फ भारत का ताज है बल्कि नए 7 अजूबों में से एक अजूबा भी है। ताज 42 एकड़ में फैला है, यमुना नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है जो उत्तर प्रदेश में आगरा के पास है। सफेद संगमरमर की ये भव्य समाधि मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाई थी। शाहजहां महान मुगल सम्राट अकबर के पोते थे। उन्होंने ये अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया। इसका ये नाम पड़ा मुमताज महल के नाम से, इसीलिए इसे कहते हैं ताज महल। अपनी मृत्यु के बाद शाहजहां को भी उनकी चहेती रानी के बगल में ही दफनाया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ताज वक्त के गाल पर आंसू की एक बूंद है। बहुत से दूसरे लोग भी इसे मुगल शिल्पकारी और भारत के अद्भुत इतिहास का बेहतरीन उदाहरण मानते हैं। ताज महल में भारतीय, फारसी और मुगल शिल्पकारी की छाप नजर आती है। कहा जाता है कि इसे बनाने का काम 1631 में शुरू हुआ था, मुमताज महल की मृत्यु के तुरंत बाद, जो बच्चे को जन्म देते वक्त चल बसी। इसे बनाने में 22 साल लगे थे और इसे 20,000 से ज्यादा मजदूरों और कलाकारों ने बनाया, जो मुगल साम्राज्य और इसके अलावा ईरान, कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज का तुर्की और यूरोप से भी आए थे। लगभग 1000 हाथियों को निर्माण का सामान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। कहते हैं कि ताजमहल के मुख्य शिल्पकार का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी और उन्होंने ही दिल्ली के लाल किले की भी रचना की थी। एक दर्दनाक कहानी के मुताबिक शाहजहां ने ताजमहल के बन जाने के बाद सारे मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, ये पक्का करने के लिए कि वो इस तरह की कोई चीज दोबारा ना बना सके। कहते हैं कि 1653 में ये पूरा बन गया और उस वक्त इसे बनाने में 32 करोड़ रुपयों की लागत आई थी। दुख और सम्मोह में अंधे होकर शाहजहां ने शाही खजाना भव्य समाधि के निर्माण के लिए लगभग खाली कर दिया था। बहुत सारा अनाज आगरा भेजा जाता था हाथियों और हजारों मजदूरों का पेट भरने के लिए, जिससे कृत्रिम आकाल जैसे हालात पैदा हो गए थे। ताजमहल पूरा सफेद संगमरमर से बना है और इसे सजाया गया है बेशकीमती धातु और बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से। ताज के गुंबद को अनियन डोम भी कहा जाता है उसके आकार की वजह से, और वो करीब 115 फुट ऊंचा है। 240 फुट ऊंचा ताजमहल चारों तरफ से ऊंचे मीनारों से घिरा हुआ है और ये स्मारक लगभग पूरी तरह से संतुलित ढंग से बना है, सिवाय शाहजहां के मकबरे के जिसे बाद में जोड़ा गया था। चार मीनारे थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई है ताकि कभी कोई जबरदस्त भूकंप आए तो ये बाहर की तरफ गिरे और मुख्य ढांचे को कोई नुकसान न पहुंचाए। अगर इन मीनारों को बिल्कुल सीधा बनाया जाता तो हमारी चाक्षुष प्रत्यक्ष ज्ञान की वजह से ये हमें अंदर की ओर झुकी हुई नजर आती। ताजमहल का मुख्य द्वार लाल बलुआ पत्थर से सजाया गया है। हरे भरे बाग, झीलें और मस्जिद इसकी खूबसूरती को और निखारती है। कहते हैं कि ताज दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग नजर आता है, सुबह में गुलाबी, दिन में सफेद और चांदनी रात में सुनहरा। इसके अलावा ताजमहल को एक बहुत ही खूबसूरत दृष्टि भ्रम से बनाया गया है। ताजमहल सबसे पहले उसके मुख्य प्रवेश द्वार से नजर आता है और इसे इस तरह बनाया गया है कि जैसे ही आप इससे दूर जाते हैं ये बड़ा नजर आता है और इसके नजदीक जाते हैं तो ये सिकुड़ता नजर आता है। दूसरे विश्व युद्ध और कुछ और युद्धों के दौरान जो भारत ने लड़े, तब कुछ नकली मंच और ढांचे ताजमहल के इर्द गिर्द खड़े किए गए थे ताकि दुश्मन के हवाई जहाजों को गुमराह किया जा सके। सन 1983 में ताजमहल को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। तब से ताजमहल में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है और यहाँ हर साल करीब 30 से 40 लाख पर्यटक आते हैं। आज ताजमहल की बनावट को नुकसान पहुँच रहा है पर्यावरण से संबंधित मामलों से, जैसे हवा में प्रदूषण और इसकी नींव में निम्नीकरण। शिल्पकारी के इस शानदार नमूने की हिफाजत करने के हर मुमकिन प्रयास जारी हैं। इस अद्भुत स्मारक से प्रभावित होकर ताज की ही नकल का एक शानदार होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दुबई में बनाया जा रहा है। कहा जाता है कि वो असल ताज से 4 गुना ज्यादा बड़ा होगा। ताजमहल सफेद संगमरमर की एक विशाल भव्य समाधि है जिसने एक सम्राट और उसकी पत्नी के बीच के प्यार को अमर कर दिया, और ये दुनिया की सबसे श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है जो पूरी दुनिया में मशहूर है।
Hi kids, hope you liked the video. Subscribe for more fun videos.